हरियाणा के मेवात जिले के गांव सिंगार में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। बरसात से मकान गिरा है, जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि मेवात के सबसे बड़े गांव में देर रात्रि हुई तेज बरसात में एक 2 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया। मकान गिरने से मलबे में दबकर एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग दब गए। मलबे में दबने से बच्ची सहित 2 की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सिंगार गांव में रात्रि करीब 3 बजे भारी बरसात के कारण मकान गिर गया, जिसमें साहिबा पुत्री हासिम उम्र 7 वर्ष, जाहिद पुत्र हासिम उम्र 20 वर्ष की मौत हो गई, जबकि साहिमा पत्नी जैद पुत्र हासिम उम्र 23 साल, अफरोज पुत्री हासिम उम्र 17 वर्ष, सना पुत्री हासिम उम्र 5 साल, निवासियान सिंगार रोजाना की तरह अपने परिवार में गहरी नींद में सोए हुए थे। 2 मंजिला इस इमारत ने तेज बरसात के सामने अपने घुटने टेक दिए। मकान का मलबा गिरने की वजह से रात्रि में सोया हुआ परिवार बाहर नहीं निकल सका। घायलों का इलाज राजकीय सईद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ में चल रहा है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घर में रखा सामान मलबे में दब गया। 1 साल पहले ही हासिम के बेटे की शादी हुई थी, जिसका दहेज का सामान भी इसी मकान में नष्ट हो गया। बता दें कि 2 मंजिला इमारत सभी लोग दब गए थे। घायलों का इलाज नलहड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। निचली मंजिल पर घर में सो रहे 4 बच्चों में से 2 की मलबा दबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने मकान गिरने की आवाज़ के बाद मलबा हटाना शुरू किया। पुलिस व अन्य विभागों को जानकारी दी गई। बरसात व रात्रि का समय होने की वजह से मलबा हटाने का काम रफ्तार नहीं पकड़ सका। जब तक परिवार के लोगों को बाहर निकाला जाता, तब तक 2 बच्चे दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। इस हादसे के बाद सिंगार गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि दोनों का पोस्टमार्टम कराने के लिए अलाफिया मांडीखेड़ा अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आज रात लगभग 3-3.30 बजे के करीब बरसात हो रही थी। हालांकि हम तो गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ से फोन गए, फिर वहाँ मस्जिद में ऐलान भी हुआ इस तरह से वहाँ मकान गिर गया है। लोग यहाँ आए, बाकी गांव में आया, पूरा गांव आया, देखा तो मकान ले गए। इसमें 4-6 दबे थे, जिनमें मौके पर 2 की मौत हो गई और चारों को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ से उनको नलहड़ के लिए रेफर कर दिया गया, जो अब जेर इलाज है। उनकी हालत उस वक्त सीरियस हालत थी, अब फिलहाल पता किया है फोन पे तो उनको खतरे से शायद बाहर बताया गया। क्या वो खतरे से बाहर है? बताया ना, कोई बात नहीं, फिक्र कोई बात नहीं, इलाज उनका चल रहा है और कोई खतरा नहीं है, वैसे सीरियस जरूर है। इसमें बहुत नुकसान हुआ है, आप लोगों ने देखा, माल का तो हुआ है, जान का तर हुआ ही है, लेकिन चार मकान भी, गरीब आदमी थे, मकान भी सारा खत्म हो गया और ये जो आप थोड़ा बहुत बचा है वो भी सारा फटा हुआ है। आप देख रहे हैं सारा फटा हुआ है, ये भी बिल्कुल सारा, और उसमें जितना मकान था उसमें सामान था, सारा क्रैश हो गया। तो क्या ये कभी भी गिर सकता है? ये कभी भी गिर सकता है। यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार इन गरीब बच्चों के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ सहायता करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके। मेरे मकान भी क्रैश हो गया और 2 मौतें भी हो गई और 4 घायल भी है। सारा सामान कुछ नहीं बचा। क्या नाम है जी आपका? ऐसा आज बारिश आई 3 सवा 3 बजे और बरसात में मकान गिर गया, तो यहाँ से हम गांव में रहते हैं, यहाँ से खबर गई, मस्जिद में ऐलान हुआ, ऐलान होने के बाद हमें पता पड़ी, हम आपके यहाँ आए, हमें यहाँ आके हमने निकाले, हमने 2 एक्सपायर हो गए, 4 घायल हो गए और लंदन पहुँचे। एक का नाम तो जैन है, साहिबा
कार्रवाई साथ है जी, पूरा मकान ढह गया, कुछ नहीं बचा, दहेज का सामान भी खत्म हो, पूरा घर ही खत्म हो गया है। गरीब आदमी है, कुछ थोड़ी बहुत सहायता गवर्नमेंट तरफ से हो जाए। किस तरह से ये हादसा हुआ था, क्या बरसात तेज आ रही थी? बरसात तेज आ रही थी, तो बरसात तेज आने पे मकान गिर गया। मकान बने थे, कोठा है और ऊपर चौबारा है, और पीछे से दीवार गिर गई, दीवार गिरने के बाद चौबारा भी और कोठा भी सब गिर पड़े। तो पुलिस ने सोचना कि फोन करा दें, फिर सुबह ही पुलिस भी आ गई। तो ऊपर चौबारा में दो बंदे हैं, जैद है, जैद की घरवाली, और नीचे चार बंदे हैं, छह है, दो ऊपर और चार नीचे। नीचे जाहिद है और अफरोज ही, सना ही और साहिबा ही, इसमें से जैद की जाहिद है उसका एक्सपायर हो गया, और साहिबा है उसका एक्सपायर हो गया, और बाकी के गुम चोट लगी है। जैद है, इसके जैद की घरवाली है, अफरोज है, उसकी टैंट टैंट में लगी है चेहरे पर, उसकी गुम चोट है। और कहाँ पर इनका इलाज चल रहा है? ये पहले तो यहीं पुनहान हॉस्पिटल में, यहाँ से फिर लल्लड़ रेफर कर दें लल्लड़। ये सामान तो पूरा ही भरा हुआ ऊपर, ऊपर से नीचे आर पड़ा, सारा ही टूट गया, ऊपर का टूट गया, नीचे का टूट गया, सामान तो सारा ही खत्म। कैसे उनको निकाला? जी, जैसे गिरने की आवाज आई, हमारे बाप यहाँ सो रहा था दूसरी तरफ यही बैठक में, उसका आवाज सुनी, वह खड़ा हुआ, उसने रोल रोल मचाई, कुछ आपने हटाया पत्थर टोली, कुछ और पड़ोसी और आए, जब निकाले ऐसे ही सूचना किसी को पुलिस दे दी, पुलिस आ गई। कार्रवाई यही चाह रहे हैं जी, घना ही नुकसान होगा, गरीब आदमी कुछ सहायता हो जाएगी।